एक्टर सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर खान अपने बेटे तैमूर अली खान के पहले बर्थडे को यादगार बनाने के लिए अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। दोनों ही पार्टी में चार चांद लगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और इस पार्टी में कुछ खास मेहमानों के आने की भी संभावना है। बता दें कि तैमूर अली खान 20 दिसंबर 2016 को जन्मे थे। तैमूर अली खान के बर्थडे पर इस बार बहुत खास होने वाला है। करण ने कभी अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही को पब्लिकली शो नहीं किया है, लेकिन तैमूर के बर्थडे पार्टी में वे नजर आएंगे। बता दें कि हाल ही में एक स्नेहा धूपिया के चेट में शो में करण ने इस बात का खुलासा किया था। वहीं एक्टर तुषार कपूर के बेटे लक्ष्य भी इस पार्टी की शान बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में सैफ की बहन सोहा भी एक बेटी की मां बनी है, तो इसे देखते हुए ये पार्टी तो बच्चों से भरने वाली है। हाल ही में एक इंटरव्यू में सोहा अली खान के पति एक्टर कुणाल खेमू ने कहा था कि तैमूर की वायरल हो रही सभी फोटो उन्होंने ही क्लिक की हैं। खैर, सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं ट्रीट किया जाता है, ये बात तो हम सब जानते हैं। अक्सर तैमूर की तस्वीरें खबरों में रहती हैं, लेकिन इस बार कारण कुछ अलग है। बता दें कि सैफ और करीना ने पहले ही तय कर लिया था कि वे अपने बेटे तैमूर को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजेंगे। बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बच्ची की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसका चेहरा तैमूर से काफी मिलता है। इस बच्ची का नाम है इनाया। तैमूर की बुआ सोहा अली खान ने एक बेटी को जन्म दिया है, जिसका नाम इनाया रखा गया है। दिलचस्प बात ये कि तैमूर की हमशक्ल इनाया उसकी फुफेरी बहन इनाया नहीं बल्कि कोई और ही है। तैमूर खान की इस हमशक्ल का नाम इनाया शोहेब है। मजेदार बात ये कि इनाया का जन्म 5 दिसंबर 2016 को हुआ और इसके ठीक 15 दिन बाद तैमूर का जन्म 20 दिसंबर 2016 को हुआ।